अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो ये जो मैं पिछले दिन में एक लेके आई थी ना, बटर केक्स का जो पैकिंग डब्बा जो लेके आई थी, मैं इसीलिए सोच के लेके आई थी कि ये केक्स खत्म हो और मैं अपना जो आटे वाला डिब्बा है खुशके ना वो शिफ्ट करूँ इसमें। पहले भी मेरा देखा आपने, वही खुशके वाला डब्बा था और उसको मैंने फेंका और नया लगा लिया। देखे ना, फायदा हो गया ना, एक तीर दो निशाने। एक बार खर्चा करो तो दो काम, बिस्किट भी खा दे ते डब्बा भी काम आ गया। नॉर्मल मैंने पिछले दिन में बताया था, मुझे इतनी हंसी आई ना, वो कह रहे थे कि फेसबुक पेज पे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, तब मैंने मुझे मैसेज आए थे कि आपने जब डब्बा खोला ना ऐसे केक्स वाला, तो आपके हैरत हो गई, शुक्र है केक्स निकले, नहीं तो हमारे डब्बों में तो वो ना नलकी है और सुइयां निकलती हैं। तो मैंने कहा भाई ये बस ना दिखावा है, अभी देखना इस बिस्किट के बाद मैं क्या डालती हूँ, मैं इसके अंदर आटा डालूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, आपके जैसे ही है। तो सुबह के टाइम में आज ना सबसे पहले तो जो जो सब्जियों वाला डब्बा है ना फ्रिज के अंदर जो रखते हैं, इसको मैंने निकाला है बाहर। आपको पता है जितना मर्जी साथ साथ आप क्लीन करें ना, फिर भी सब्जियां जो है ना वो अपना छोड़ देती हैं, खलारा छलारा डाल देती है। तो सबसे पहले तो इसको मैंने बाहर निकाला है। एक ही ज्यादा गंदा था, दूसरा बिल्कुल साफ था, क्योंकि वो दरवाजा दूसरी तरफ होता है तो उसको काम ही बच्चे खोलते हैं। और ये जो दो दरवाजे वाली मेरी फ्रिज है और जो राइट वाला है ना जो सीधे हाथ वाला दरवाजा, उसको खोलते हैं और सारी चीज इसी में ज्यादा यूज करते हैं रखते हैं, तो ये ज्यादा गंदा था। मैंने कहा बाहर निकाला है और उसको साफ किया अच्छे से, और उसके अंदर एक बास्केट लगाई है। पहले भी पड़ी थी लेकिन मैंने नहीं लगा लिया, वो साइड पे किया उसको मैंने लगा लिया। उसके अंदर जो भी सब्जी वगैरह इसमें डालूंगी ताकि छिलके छिलके लहसुन वगैरह के इसी में जाए और नीचे से वो साफ रहे, और बाकी खीरे वगैरह जो भी है वो साइड पे मैंने रख के इसको किया क्लीन। तो मुझे आ गया मजा। मैंने पिछले दिनों में ना मैंने अपने दराज साफ किया था किचन का, तो मुझे एक आया था मैसेज कि मैंने कितने दिन का सोच रही हूँ फ्रिज साफ करनी है, फ्रिज साफ करनी है, लेकिन हो नहीं रही। तो आज मैंने भी फ्रिज का ना एक दराज साफ किया, इतना बड़ा मेरा दिल भी नहीं कि सारे ही निकाल के साफ कर दूँ, लेकिन फ्रिज साफ ही थी, ये वाला हिस्सा खाली जो खराब लग रहा था मुझे वो मैंने साफ किया है। तो आप भी सुस्ती ना किया करें, जो काम करना है वो करना है, किन्ने आके करना है, केड़ी अम्मा ने आके करना है, आप भी खुद ही करना है। तो सोचा ना करें, ये एक दिन सोचा करें, दूसरे दिन बस हिम्मत दिया करे अपने आप को और कर लिया करे। तो ऐसे ही काम होते हैं, ये नहीं कि बंदा सोची गया तो बंदा गया, सोची पिया तो बंदा गया, ऐ वाला हाल नहीं करना, नाल नाल काम करने ने। तो अब ना कल मैंने बनाया था साग, तो साग क्या बना, बेटा मेरा था घर नहीं, हाय कैसे मेरी उर्दू, बेटा मेरा था घर नहीं, नहीं बेटा मेरा घर नहीं था। तो उसने वो उसको बड़ा पसंद है साग ना, तो उसने रात को मुझे बोल दिया था सुबह उठते मुझे पराठे बना के देने हैं, तो मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। अच्छा जी, मैं नाश्ता बनाती ना, मैं एक पराठे बना रही हूँ, मेरे जो पराठा है ना अक्सर आपने देखा कभी गोल नहीं बनना, तो मेरा अगू नहीं जब बनना गोल है, सोच लियो ऐ ना सोचियो बाजी तो आज तो पराठा गोल है ही नहीं, लेकिन बाद में मेरा कभी गोल नहीं पराठा बना। जब से मैंने रोटी सीखी है ना, मेरी कभी रोटी गोल हुई ही नहीं है। तो मेरी अम्मी जो कहते थे, मेरी अम्मी कहते होते हैं मेरी जब शादी हुई थी ना, तो आपके दादा बू कहते होते थे कि कोई गाल नहीं, केड़ा रोटी खान लगे अंदर जो ना वो टेढ़ा मेढ़ा होना, रोटी टेढ़ी होनी, खाते वक्त वो सारी टूट जानी है, तो आप बना दिया करो। तो ऐसे मैंने भी ना वो बात पक्की जेहन में रख ली है कि बनानी जरूर है, भावें टेढ़ी बने तो भावें मेरी, मेरा नहीं गोल रोटी बनती भी है, मेरा भी एक टारगेट है कि कभी एक बार तो बनेगी। तो मुझे लगता है वो टाइम ना गुजर गया है गोल गोल रोटी करने वाला मेरे के, ये देखे मेरे तो ना चांटा ही बने होंगे रोटी। तो कहते थे होंगे बाजी आप इतनी बातें करती हैं और रोटी तो देखो गोल बांधती नहीं, वाकई मेरे को कोई नहीं रोटी गोल बांधती। ये भी ना सोचना कि आने वाले दिनों में किसी भी लोग में आप ही की जो रोटी ना गोल हो जाएगी, कभी सोचना भी ना, क्योंकि उम्मीद भी ना लगाना, क्योंकि मेरे से नहीं गोल बनती, मेरी ऐसे ही बनती है एक नुक्कर उधर और एक नुक्कर उधर। लेकिन मेरी फैमिली को आदत पड़ गई है मेरी रोटी खाने की, चपाती खाने की, उनको पता है। तो मैंने कभी कभी हम ना गोल रोटी के मैं इनका कहूँगी अपने हस्बैंड का वो गोल बना के दे, क्योंकि जब मैं नहीं इधर थी ना, क्योंकि मैं इनके बाद आई हूँ, तो इन्होंने तकरीबन रोटी बनानी सीख ली थी, जब बंदा कल्ला रहे ना सारा कुछ ही आ जाता है। तो इनकी रोटी बड़ी गोल होती है, आप भी कभी हम कहीं जाते हैं ना तो पीछे से बना भी लेते हैं, लाजमी बात है हम रह रहे हैं तो इधर खुद भी करना पड़ता है कभी एक बार, तो ये कर भी लेते हैं, अकेले हों तो कर भी लेते हैं। तो इनकी जो रोटी है ना वो मेरे से ज़्यादा गोल और अच्छी बनती है। मेरी रोटी ऐसे ही है, लेकिन चले मेरे बच्चे खा लेते हैं। बेटे मेरे ने साग निकाला था और अब कह रहा था मक्खन डाल ले गर्म किया, और इसको मैं देने लगी हूँ नाश्ता। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह अब लेके ऊपर जाने लगा है, तो अपना नाश्ता लेके जाएगा तो हम आराम से। मैंने भी आधी रोटी खाई थी, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी साग के साथ, बड़ा मज़ा आया था। इतवार वाला दिन ना कभी एक बार खा लेनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पैंदा, इन्नी नहीं तुसी मोटे होंगे तो कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा तो पराठा खाना ही चाहिए, लेकिन मैंने भी हाफ खाया था, पूरा नहीं खाया। अच्छा जी, ये जो क्लिप है ना ये कल हफ्ते वाला दिन था,
तो मुझे बड़ा जरूरी मुझे लेके आना था, जो तो मैं अभी आपको बताती हूँ वो क्या है, उसका क्या नाम है और क्यों लेके आई हूँ। तो मैंने मुझे ये था कि मैं आज इसमें ऐड कर दूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। मैं लेने आई हूँ फ्रेश पलाटे। उसका उसका फायदा ये है कि जो मेरी तरह काम करते हैं ना यूट्यूब पे, तो उनके लिए जरूरी मैंने बात करनी थी कि अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना तो अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे जो जहाँ से भी आप अपलोड करते हैं ना तो अपनी वीडियो ना डिलीट नहीं किया करें। ये ना समझे यूट्यूब पे चढ़ गई है तो चले जी चढ़ गया, खाली जगह करो कंप्यूटर तो या हैंडी तो। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि ये जो मैं लेने आई हूँ ना प्लाटे जो होती है फ्रेश प्लाटे इसका नाम है, इसका मतलब यही है कि जो भी मेरे पास चीज़ें हैं जैसे मोबाइल में अगर हैं या मैं कंप्यूटर, खैर मैं तो कंप्यूटर पे बैठ के करती हूँ तो उसके अंदर जैसे मेरा फुल हो जाता है ना वो वाला प्लाटे कंप्यूटर का, तो मैं इसके अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ सारी जो मेरी वीडियो ना, मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगी ताकि महफूज रहे। एक मेरा फुल हो गया और अब दूसरा मुझे चाहिए था क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी फुल हो गया। और ये मैं लेने आई हूँ, ये 99 मतलब 100 यूरो का कह लेना। तो इसके अंदर तकरीबन काफ़ी जगह है और मैं तकरीबन ये ना वो जो मेरा पिछला था ना वो उसके ऊपर मैंने 2020 लिख दिया है और ये इसके ऊपर मैं 2021 लिखूंगी ना, ताकि मुझे पता लगे 2021 की इसके अंदर वीडियो है और 2020 की वो जो मेरे पहले वाला उसकी वीडियो है। तो ये मैं ना उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो जो काम करती हैं जो ब्लॉगिंग करती हैं ना उनको पता हो। इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह रहम करे कल को कोई मसला आ जाए चैनल पर, कोई हैक हो जाए कुछ हो जाए बाई चांस, तो आपके पास ना अपनी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि आपको पता हो कि मेरी तो चीजें मेरे पास हैं, आप कल को दिखा भी सके अगर जरूरत पड़े। तो इसलिए तो आज मैंने जरूरी जरूरी ये क्लिप डाला है ताकि आपको मुश्किल ना हो, मसला ना हो, क्योंकि अल्लाह रहम करे चैनल को कोई मसला आता है ना, पता क्या होता है अगर आपके पास अपना अपनी चीज़ें हों ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है। इसलिए मैंने क्लिप डाला है ताकि आपको कोई मसला ना हो जाए एकदम ऐसे, कोई मुश्किल आते वक्त कोई पता नहीं चलता है, तो अल्लाह ताला साहब पे रहम ही करे करम ही करे। तो ये जो ज़रूरी मैंने क्लिप डाला है ताकि आपको भी पता लगे जो ख़ास तौर पर इस फील्ड में है ना तो उनको अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी आए। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी किसी से सुना था और उस वक्त से मैंने अमल करना शुरू कर दिया कि नहीं ये बड़ा ज़रूरी है अपने पास अपनी चीज़ें होना। तो इसके बाद मैं घर आ गई हूँ, घर ने मैं घर ही थी ये कल वाला क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं ना किचन में आ गई, मुझे ये था सबसे पहले ना मैं खाना बना लूँ। तो खाने में आज क्या पक रहा है अभी देखें। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है और जो प्याज है ना मैंने बारीक बारीक कट क्रश ही कर लिया इसके, जो मेरी मशीन है ना इसके जिंदाबाद, मेरी मशीन तो वाकई जिंदाबाद। इसके मैंने प्याज और जो लहसुन है ना वो कट्ठी डाल के उसको मैश कर लिया था और इसको थोड़ा सा भूना है। फिर टमाटर दो बड़े लिए हैं मैंने क्योंकि आलू बैंगन के अंदर टमाटर बहुत ज़्यादा डलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, तो वो मैंने डाले और उसको मैंने भूना है। और अब मसाले जा रहे हैं, सिर्फ मेरे जा रही है नमक मिर्च हल्दी और जो धनिया सूखा धनिया होता है ना वो, तीन चार चीज़ें मैंने डालनी हैं। अभी ये इसका मसाला भूनूंगी फिर इसके अंदर क्या हो गया मुझे, आज रोज़ ही होंगे मैनू कड़ा अज हो। चलो जी आज मैं आज नहीं अभी इसके अंदर डालती हूँ मसाला, मसाला भून के तो इसके अंदर मैं डालूंगी। मैंने जो है ना बैंगन वो मैंने दो मेरे बैंगन थे, एक को मैंने बिल्कुल छिलका उतार लिया और एक को मैंने छिलका नहीं उतारा। तो आलू डाले हैं ने छोटे छोटे बारीक करके, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले हैं, तो इनको मैंने ऐसे थोड़े दो तीन चम्मच इधर उधर मार के ना तो उसको मैं डाम के रख दिया था। और इसी पानी में मेरे वो बैंगन आपको पता है जल्दी हो जाती है और बैंगन और आलू गल गए थे, कोई मैंने पानी नहीं डाला था ना ही मैंने डालती हूँ। और हरी मिर्चें डाली हैं सिर्फ जो आपको नहीं दिखाई और देखे छोटे छोटे मेरे पास थी तो वो मैंने डाली हैं, उसके बनाई करके अच्छी तरह। फिर मैं एंड पे डालूंगी सूखी मेथी और गरम मसाले का हाफ छोटा चम्मच और धनिया ढेर सारा धनिया, ये मैं एंड पे डालूंगी। ये देखिए अब गरम मसाला जाएगा, बड़ी सिंपल। आप वाइट चावल बॉयल करें ना तो हा है क्या मजा है। मैंने खैर चावल बॉयल अभी नहीं किया, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं खाऊंगी चावलों के नाल ही। ये देखिए धनिया मेरे पास जितना होता है ना, मेरा भी हाथ रुकता नहीं, मुझे होता है बस हर चीज ना धनिया मेरे बेटे वांगू ना उसको पसंद है ना। ये माएँ ऐसी होती है, मुझे लगता है बच्चों को जो चीज़ पसंद है ना माएँ वही अटैम्प्ट कर लेती है कि मुझे भी बड़ा पसंद है। तो मुझे सच्ची में अब बहुत अच्छा लगता है धनिया हर चीज़ में डाल को, तो जितना मेरे पास होता है ना मैंने होता सारे ही पा दवा। तो ये देखें लास्ट इसका लुक बड़े मज़े के बने थे। चलो जी ये नाल मैंने दो इजाजत है, तो अपना अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को दो में याद रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।